तो भाई ये अनस वाला मेरे पीछे पीछे आ रहा है, इसको अभी मैं आगे नहीं निकलने दूंगा। अभी तो देखो इसको आगे तक जाने नहीं दूंगा, अभी अभी नहीं निकलने दूंगा बेटा आगे तुझे, ठहर दे तू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बकाया ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब, आई होप सब अच्छे से हैं। तो आज दोबारा से एक नया ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं हर 3 महीने में बाइक की सर्विस करवा देता हूँ। तो अभी लास्ट टाइम मैंने 15-16 दिसंबर तक करवाई थी सर्विस, तो आज लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं तो सर्विस का टाइम हो चुका है। तो आज मैं जा रहा हूँ और इसकी सर्विस करवाने के लिए घुमट वाली साइड में, क्योंकि जब से मैंने बाइक ली है कंपनी की सर्विस करवाने के बाद मैंने सारी सर्विसेज करवाई थी, तो उन्हीं से करवाता हूँ। मैंने तब से कोई मैकेनिक चेंज नहीं किया, और कश्मीर में भी जब जाता हूँ तो वहाँ पर भी एक ही बंदा रखा हुआ, तो उसी से सर्विस करवाता हूँ। एक बंदा जम्मू में रखा है, एक बंदा कश्मीर में रखा है, तो उन्हीं से करवाता रहता हूँ मैं सर्विसेज। फिलहाल डॉक्यूमेंट्स मेरे ओके हैं, सारी चारों चीज़ें मेरे पास हैं। अभी कोई किसी भी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी एक्सपायरी नहीं है, मैं अभी कोई चेक कर रहा था निकलने से पहले। पहले मुझे लगा था मेरा पॉल्यूशन जो है वो एक्सपायर हो गया, तो स्पेशली वो चेक कर रहा था, वो भी है अभी, उसके शायद जून तक की वैलिडिटी है अभी। दोस्तों मैं सीधा वहीं घुमट वाली साइड पे ही स्टार्ट करूँगा ब्लॉग, ठीक है, मिलता हूँ मैं वहीं पर। तो दोस्तों पहले हमारे बाइक की डीजल वॉश हो रही है, उसके बाद नॉर्मल वॉशिंग होगी। तो दोस्तों जो ये शॉप है ये होटल अमृता के ऑपोजिट में है। ब्रेक्स और अलाइनमेंट का काम हो गया फिट। और अभी टाइम है बॉडी पॉलिशिंग का। काफ़ी शाइन करने लगी है, अब एकदम नई जैसी हो गई है। मैंने ये स्पंज पॉलिश के एक्स्ट्रा पैकेट्स ले लिए थे ताकि शाइन वगैरह करते रहें, इसको अच्छा लगता है शाइनिंग वाली बाइक चलाने, एकदम नया जैसा फ़ील आता है। और जैसा कि मैंने बार बार बताया, मुझे फ़ील ही नहीं था कि मेरी बाइक 9 साल पुरानी हो गई है, क्योंकि टाइम टू टाइम मेंटेन किया हुआ है इसको। तो दोस्तों बाइक की सर्विस हो गई है मस्त, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन सर्विस करवा के अपनी राम तैयारी तो होगी मस्त, एकदम
मज़ा आ गया, अभी तो चलाने में भी मज़ा आ रहा है। कल थोड़ा बहुत फ़र्क लग रहा था चेन वगैरह का, जैसे थोड़ी लूज़ हो गई थी चला के ना, क्योंकि मैं वो कश्मीर से बाइक पे ही आया था चला के, तो मैंने वो व्लॉग बना रखा था बहुत पहले कोई दिसंबर महीने में, तो मैंने उसको अपलोड नहीं किया। तो मैं वो जल्द वो वाले उस व्लॉग को ना पार्ट्स में डालूँगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा बना था, लगभग कोई 14 मिनट की बनी थी वो वीडियो, तो इसलिए ऐसे तो ज़्यादा बड़ी बनी थी कट कटा के, तो मैंने वो 14 मिनट की बना दी थी व्लॉग, लेकिन उसके बावजूद भी फिर मैंने वो अपलोड नहीं किया था काफ़ी टाइम तक। तो अब मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट किया, तो सोच रहा हूँ वो वाला वीडियो भी डाल दूँ, तो 4 पार्ट्स में डालूँ या 3 पार्ट्स में डाल दूँगा उसको शॉर्ट शॉर्ट करके, तो वो वाले व्लॉग भी ज़रूर देखना। भाई जो नया नया इस वीडियो को देखेगा या तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। तो अभी मैं सीधा घर जाऊंगा, तो फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर देता हूं, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय दोस्तों।